नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए मित्रों, जिसके अंदर त्याग है उसकी जय जयकार निश्चित है, पर लोगों के अंदर त्याग ही तो नहीं है। त्याग नहीं है इसलिए लोग दुखी हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए लोग रोते हैं, मरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, छोटी छोटी मात्र तुच्छ सी चीजों के लिए, जिसको संत समाज नाली का पानी समझता है, गंदा मल और मूत्र समझता है, लोग उनके लिए लड़ते और मरते हैं तुच्छ सी चीजों के लिए। त्याग नहीं है इसलिए ये झंझट है। त्याग में जीवन जिया करो, कोई बात नहीं, ठीक है। खासकर बुढ़ापा 50 सालों के बाद जीवन में जितना त्याग हो सके उतना त्याग व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे काम आने वाला है, यही तुम्हें शांति दिलाने वाला है। इसी से भगवत चिंतन बढ़ेगा, भगवत भक्ति बढ़ेगी और इसी से ही तुम्हारा कल्याण होगा। पूरे जीवन तो हमने कमाया है, पूरी जिंदगी तो हमने कमा कर दूसरों को खिलाया है और खुद भी खाया है। अब तो मेरे भाई त्याग में हो जाओ। कब त्याग करोगे बताओ जरा, कब करोगे त्याग? मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं, आपको पता है या नहीं? जब मुर्दे की अर्थी शमशान को लेकर जाते हैं ना, तो लोग उसके ऊपर मखाने और पैसे फेंकते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, मखाने और पैसे क्यों फेंकते हैं? देखिए दोस्तों, पैसा इसलिए फेंकते हैं कि देख लो दुनिया वालों, ये आदमी जो मरा पड़ा है ना, जीवन भर पैसों के लिए भागता रहा, पैसों के पीछे भागता रहा। अब तेरी छाती में पैसे पड़े हैं, तेरी ताकत है तो उठाकर दिखा जरा, नहीं उठाता। और ये आदमी जीवन भर अपनी पत्नी से झगड़ता था, अपने बच्चों से झगड़ता था, पैसों के लिए बाप से भी झगड़ता था, और अब तेरी छाती में पैसे पड़े हैं, तेरी ताकत है तो उठा ले, जिन पैसों के लिए तू जीवन भर भागता था, भाई अब तेरी छाती में पड़े हैं। तूने ना रिश्ते समझे हैं, ना रिश्ते निभाए हैं, ना अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, बस पैसा 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 पैसे के पीछे ही भागता रहा। अब पड़े हैं तेरी छाती में, उठा, बरसा रही है दुनिया तेरे ऊपर पैसा। मेरे भाई, तुम और हम लोग सब सीख ले इन बातों को, ये शिक्षा है हमारे लिए। क्या आप बता सकते हैं कि मखाने बरसाने का अर्थ क्या है? मखाने बरसाने का अर्थ ये है कि मखाना फूला हुआ होता है, कमल के दानों से मखाने को तैयार किया जाता है, वो फूला हुआ होता है। मखाने बरसाने का अर्थ ये है कि लोग कहते हैं, देख जब तक जिंदा था बड़ा फूला फूला घूमता था मखाने की तरह, ए मैं नहीं जानता किसी को, मैं किसी से कम नहीं हूँ, सबको मार दूंगा, कोई मुझे नहीं जानता क्या? शायद तू मुझे अभी नहीं जानता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन अब मरा पड़ा है, कहाँ गई तेरी वो अकड़, पचक गई ना तेरी अकड़, जैसे कि मखाना पचक जाता है। बताओ कहाँ गई वो तुम्हारी अकड़, जिस अकड़ पर तुम जीते थे? मेरे भाई, मखाना पाँव के नीचे आता है तो पिचक जाता है, बोलो हाँ या ना? मरे पड़े हो अर्थी पर, पूरे के पूरे पिचक गए हो, और जिंदा थे तो बात बात पर झगड़ा किया करते थे, कमजोर लोगों को अपनी ताकत दिखाते थे कि ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरा बेटा अच्छा नहीं है, पूरी जिंदगी तुम्हारी शिकायत में निकल गई। अब मरे पड़े हो, मखाने की तरह फूले फूले घूमते थे, अब तुम्हारी अकड़ चली गई ना मेरे भाई, पिचक जाओगे मखाने की तरह। अकड़ ना रखो किसी चीज की, भगवत कृपा जानकर जीवन जिया करो। ये जीवन ना तुम्हारा है और ना ही हमारा है, सबको भगवान ने ये जिंदगी किराए से दे रखी है। ये गाड़ी, ये बंगला, ये घर हमारा नहीं है, कुछ दिनों के बाद ही हमें ये गाड़ी बंगला घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि ये जिंदगी हमारी नहीं है मेरे भाई। कुछ दिनों की जिंदगानी है हमारी, किसी की 10 साल की है, किसी की 20 साल की है, किसी की 40 साल, किसी की 50 साल, किसी की 70 साल, किसी की 80 साल, किसी की ज्यादा से ज्यादा 100 साल, और 100 साल के बाद तुम्हें खाली करना ही होगा, शरीर छोड़कर जाना ही होगा मेरे भाई। इन 100 सालों में तुम क्यों इतनी अकड़ और क्यों इतनी झंझट पालते हो, क्यों इतना तमाशा दिखाते हो?
किस बात की अकड़ है तुम्हें? किस बात का तमाशा है? सादा जीवन जीकर भगवान को याद क्यों नहीं करते? अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं करते? मखाना और पैसा दोनों चीजें बरसाते हैं लोग मुर्दे के ऊपर। और याद रखना मेरे भाइयों, तुम और हम भी एक दिन मुर्दा बनेंगे। हमारे और तुम्हारे ऊपर भी ये दुनिया पैसा मखाना बरसाएगी और बरसा बरसा कर दुनिया को दिखाएगी कि देख लो ये भी ऐसा था और अब देखो इसकी क्या गति हो गई है। इसलिए दोस्तों, अच्छे व्यक्ति बनो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।